हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं रिगार्डिंग सीजीपीएससी एआरटीओ एंड एआर सब इंजीनियर का ठीक है so, सो अगर मैं बात करता हूं यहां गेट एकेडमी लाइव ऐप ओके सो गेट एकेडमी लाइव ऐप में सिक्सटींथ ऑफ अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई है ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो क्लासेस डेली हो रही है नाइन ए एम ठीक so, है? 9 to so, है ये डेली क्लासेस हो रही नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन प्लस थर्मल स्ट्रेस सो जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं उसके कुछ प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं किस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ओके सो देखते हैं एक क्वेश्चन है आपके सामने जो कि मैं क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कैसे डिस्कस होगा सो so, स्टील mm mm so, आपको है, 40 mm 40 mm, 200 so, है, का, उस पर कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई किया गया है टू हंड्रेड किलो न्यूटन ठीक है इफ द लेंथ ऑफ बार इज दी मीटर एंड यंग मॉडल इज ई टू हंड्रेड गिगा पास देशन ऑफ बार विल बी तो आप लोगों को मैं क्या बताया था आप लोगों को मैं सिंपल बोला था कि अगर एक प्रिजमेटिक बार है एक बार है ठीक है और अगर इस प्रिजमेटिक बार पे फोर्स अप्लाई अगर कर रहे हो आप सो फोर्स मे बी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव सो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कॉम्प्रेसिव में आपको गिवन है

ये आपको गिवन है 200 हंड्रेड किलो न्यूटन दैट मीन टेन पावर थ्री न्यूटन पुट करना है ऑनली आपको और आंसर लाना है सो पी की वैल्यू है 200 हंड्रेड इंटू टेन पावर थ्री लेंथ हो गया 2000 थाउजेंड एमएम डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया इज फोर्टी इंटू फोर्टी इंटू यंग मॉडल इज टू हंड्रेड इंटू टेन दावर थ्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्सटीन हंड्रेड टू थाउजेंड डिवाइडेड करते हो तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा, mm, so, mm मिलेगा. So, एग्जाम में ठीक है तो ऑनली एंड ऑनली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट मैं क्लास में बता चुका हूं एक्सेल इलोंगेशन ऑफ दी बार इसके दो केस डिस्कस किए प्रिजमेटिक बार और एक नॉन प्रिजिक बार सो प्रिज़मैटिक बार में एक्चुअली लॉन्गेसन PL/AE और नॉन प्रिज़मैटिक बार में थ्री केस डिस्कस किए स्टेप बार सर्कुलर टेपरड बार और रेक्टेंगुलर टेपरड बार और इसके अलावा भी लॉन्गेसन होता है ड्यू टू सेल्फ वेट विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड ओके सेल्फ वेट की वजह से भी आपका क्या होता है इलॉन्गेसन होता है ओके okay? चलिए तो ये कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है बेसिक सा क्वेश्चन ओके सो बेसिक क्वेश्चन है अ सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए एंड लेंथ इज एल इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड दैट मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस बार इज ए दैट मीन्स इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये प्रीजमेटिक बार है यस सर इफ इज द टोटल वेट ऑफ द द द द बार बार एंड यंग ऑफ ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू सेल्फ वेट देख लो लोड की वजह से भी इलोंगेशन होता है बॉडी पे और सेल्फ वेट की वजह से भी इलोंगेशन होता है तो ये क्वेश्चन कहां से आया है ये पता होना चाहिए पहले तो पूछा गया है yes, इलोंगेशन यस सर अब इलोंगेशन सर लोड का पूछा गया है या फिर सेल्फ वेट तो क्वेश्चन में है सेल्फ वेट सेल्फ so वेट की वजह से क्या होता है तो सेल्फ वेट की वजह से आपको पता है गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई ये अपन प्रूफ किए ये होता है क्या गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई अगर आप इसी रिलेशन में एरिया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है टू ए अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो एल स्क्वायर को एल इंटू एल में तोड़ सकते हो आप ठीक है सो एल स्क्वायर को एल स्क्वायर को आप तोड़ दो एल इन एल में डिवाइडेड बाई टू ए अब आपको पता है स्पेसिफिक वेट गामा इज नथिंग बट वेट पर यूनिट वॉल्यूम अगर टोटल वेट की बात कर रहा है डब्ल्यू दैट मीन्स आप लिख सकते हो डब्लू इज इक्वल टू नथिंग बट गामा इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम इज एरिया ऑफ दिस बार इंटू लेंथ सो लेल सो गामा एल इज नथिंग बट डब्ल्यू ठीक है सो गामा एल इज नथिंग बट डब्ल्यू सो डब्ल्यू एल अपॉन टू ए सो so, अगर आपको स्पेसिफिक वेट की टर्म्स में अगर सेल्फ इलोंगेशन पूछा है तो आंसर इज गामा एल स्क्वायर बाय गए बट अगर टोटल वेट के टर्म्स में अगर आपको पूछा गया है इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट सो सो आंसर इज ऑप्शन मैच कर लेंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन आ रहा है सो डब्ल्यू एल एप टू एट मीन ऑप्शन ए डब्बू टू ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है ओके okay? Next, Young modulus of elasticity. Next question, Deco. Young modulus of elasticity and Poisson's ratio of a material are 1.25 into 10 to the power five megapascal and 0.34. So, Young modulus E, so E is nothing but 1.25 into 10 to the power five megapascal and Poisson's ratio is represented as mu and mu is nothing but 0.34, respectively. मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल इज सो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट जी सो जी आपको पूछा गया है किसमें पूछा गया है सभी मेगा पास में है सो so, मेगा में पूछा गया है क्या करोगे सो so, आपको पता है इलास्टिक कॉन्स्टेंट सो इलास्टिक कॉन्स्टेंट इज ई जी के मे इसको अपन डिस्कस किए थे डिटेल में रिलेशन बिट्वीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के रिलेशन में बताया था ई इक्वल टू थ्री के टू म्यूक्स टू टू जी वन प्लस e टू नाइन के जी अपॉन थ्री के प्लस जी और म्यूस टू थ्री के माइनस टू जी अपॉन सिक्स के प्लस टू जी ये देखे थे ओके okay. सो so, अगर आप ई e और जी में रिलेशन देखते हो तो एक रिलेशन होता है ई इक्व टू थ्री के वन माइनस टू म्यू ये तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यंग मॉडल और यहां बल्क मॉडल है क्या करें नेक्स्ट फॉर्मूले में जाएंगे प्लस e म्यू अब देखते हैं म्यू क्वेश्चन में गिवन है यस सर यंग यस जी यहां से आप निकाल लोगे जी यहां से निकाल लोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड सो ई इज नॉइंट टू फाइव इंटू 5 सो ई इक्व टू टू जी वन प्लस म्यू ई आपको गिवन है वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन दि फाइव इक्व टू टू इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई म्यू सो म्यू इज पॉइंट थ्री फोर वन प्लस पॉइंट थ्री फोर वन पॉइंट थ्री फोर सो आप यहां से जी कैलकुलेट करोगे तो जी आप सिंपली कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा आपको पॉइंट एट थ्री ऑप्शन सी पॉइंट एट थ्री सेवन फाइव इंटू टेन दावर फाइव मेगा पासकल सो सिंपल कैलकुलेशन है कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है ओके okay? तो ये क्वेश्चंस हो गया आपका बोलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं बेसिक बेसिक देखना है आंसर देना है ठीक है द बल्क मॉडल ऑफ बॉडी इज इक्वल टू सो बल्क मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एस के के तो बल्क मॉडल का रिलेशन क्या होता है बल्क मॉडल का रिलेशन क्या होता है सो so, ऑप्शन में आपको ई e के फॉर्म में दिया है यंग मॉडल दैट मीनस ई इक्वल टू होता क्या है थ्री के वन माइनस टू म्यू होता है क्या वन माइनस टू म्यू क्या लिख सकते हो इसे तो सिंपली आप बोल सकते हो सर म्यू को अपन वन बाई एम भी लिख सकते हैं लिख सकते हो क्या यस yes. एक रिलेशन होता है e म्यू तो सभी ऑप्शन में आपको ई e, गिवन e है तो आपको टेंशन नहीं लेना है ये वाला रिलेशन आप डायरेक्ट यूज कर लो तो क्या लिख सकते हो आप इक्व टू थ्री के वन माइनस टू म्यू को आप लिख सकते हो एम वन बाई एम दैट मीन ये हो जाएगा टू बाई एम म्यू को आप लिखोगे वन बाई एम तो हो जाएगा टू बाई एम सो ई इक्वल टू थ्री के एम माइनस टू डिवाइडेड बाई एम लिख सकते हैं क्या यस एम मल्टीप्लाई कर देंगे सो so, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है एम ई डिवाइडेड बाई थ्री एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम माइनस टू ये किसके इक्वल होगा बल्क मॉडल्स के सो बल्क मॉडल्स को आप इस टर्म में भी लिख सकते हो एम ई अपॉन थ्री एम माइनस टू थ्री एम माइनस टू सो ऑप्शन ए इज करेक्ट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बोलो ऑप्शन ए इज करेक्ट बोलो किसी को कोई डाउट है नहीं बहुत बढ़िया जो भी फॉर्मूले में आप लोगों को बताया उसी फार्मूले को मॉडिफाई कैसे करना है ये सभी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं बात समझ में आ रहा है चलिए तो यहां भी अपन क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं

पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस एंड लेंथ जो है स्टील रॉड का वो मीटर गिवन पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझ में आ रहा है सो स्ट्रेस इंड्यूस इन दी बार विल बी सो स्ट्रेस आपको पूछा गया है कितना होगा स्ट्रेस कितना होगा सो so, आप लोगों को पता है अगर स्ट्रेस की मैं बात करूं सिंपली सो स्ट्रेस इज नथिंग बट पहले आप क्या करते हो सबसे पहले आप देखते हो कि स्ट्रेस कितना इंड्यूस हुआ है उससे पहले आप डिस्कस करते थे अपन कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और इस बॉडी को मैं टी टेम्परेचर से क्या कर रहा हूं हीट कर रहा हूं कहां से समझना टी टेम्परेचर से क्या कर रहा हूं इसको हीट कर रहा हूं सो so, टेम्परेचर से हीट कर रहे हैं तो ये बॉडी तो कांस्टेंट है all से। अगर बॉडी अगर फ्री टू एक्सपैंड नहीं होता फिर स्ट्रेस जीरो बॉडी को ऑल डायरेक्शन से मैं फिक्स कर दिया या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट कर दिए और टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आप जब इंक्रीज करते थे इसको मैं क्लास में आपको बताया क्या था तो सिंपली आप बोलोगे कि फ्री एक्सपेंशन सर होगा मटेरियल है क्योंकि तो जिस मटेरियल का क्यूब बना है उसका अल्फा है ठीक so है सो डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होते हैं ठीक है सो फ्री एक्सपेंशन अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात करूं इन एक्स डायरेक्शन तो कितना होता है एल अल्फा टी या एल अल्फा डेल्टा टी अगर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज जीरो फाइनली टेम्परेचर इज राइजेस फ्रॉम जीरो

सो स्ट्रेन डिवाइडेड बाय कितना हो गया एल तो ये कैंसिल आउट हो गया आप बन गया आपका अल्फा टी सो आपका स्ट्रेस कितना डेवलप होगा सो स्ट्रेन में मल्टीप्लाई कर दो so e. so मॉडल ठीक है अल्फा क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर गिवन है यंग मॉडल गिवन है सो अल्फा डेल्टा टी ई तो सिंपल सा फंडा है अल्फा so e. so आपको गिवन है अल्फा डेल्टा टी ई सो पावर सिक्स यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा ये हो गया आपका टू हंड्रेड इंटू सिक्स पॉइंट फाइव ओके क्लियर है तो ऑलमोस्ट आपको यहां से थर्टीन हंड्रेड मिल जाएगा आंसर तो यहां से थर्टीन हंड्रेड

सिंपल स्टील रॉट टेन एम एम इन डायमीटर एंड वन मीटर लॉन्ग इज हीटेड फ्रॉम ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी तो अब इनिशियल टेम्परेचर तो ट्वेंटी है और फाइनली कहां तक गया है 120. तो कितना हो गया so, कितना चेंज हुआ वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी दैट मीनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोला था अगर मैं टी लिख रहा हूं तो मैं इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का जीरो मान लिया हूं ठीक है यंग मॉडल कितना है टू हंड्रेड सो यंग मॉडल इज नथिंग बट टू हंड्रेड यूनिट यूनिट आप, आपको मेगा पासकल में गिवेन है एंड अल्फा इज नथिंग बट टुवेल्व इंटू टेन पावर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस ये आपको गिवेन है थर्मल स्ट्रेस डेवलप इज सो थर्मल स्ट्रेस पूछा गया अगेन सेम बोलो अल्फा डेल्टा टी ई लगा दोगे अल्फा क्वेश्चन में गिवेन है ट्वेल्व इंटू टेन दर माइनस सिक्स टेम्परेचर इज हंड्रेड एंड यंग मॉडल इज टू हंड्रेड ये आपको गिवन है सो so, सिंपली अगर आप देख सकते हो जीरो डबल जीरो पर कितना हो हो और से जाएगा तो बचा कितना माइनस टू ठीक है सो यंग मॉडल आपको यहाँ पर गेगा पास्कल में गिवन है टू हंड्रेड तो में गिवन है कन्वर्ट कर दोगे तो टेन पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट मींस 120 आपको देखने को मिलेगा मेगा

that means option c is correct option c is correct answer ठीक है तो ये सभी मैं केस वाइज डिस्कस किया हूं कैसे कंप्रेसिव एक्ट होता है स्ट्रेसेस टेंसाइल कब होता है कब टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों देखने को मिलता है वो आप लोग लेक्चर में देख चुके हो ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो जो भी क्लास पूरा अटेंड किया है उसको और अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक है और जो नहीं किया है वो जाके क्लास में अटेंड करें और पूरा कॉन्सेप्ट को देखे प्यार से ठीक है बात समझ में आ रहा है तो पहले ही मैं बता दिया हूं आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और मैं नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन कंप्लीट कर चुका हूं थर्मल स्ट्रेस ठीक है so, सो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो जाके देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ठीक है आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है कोई टेंशन लेना नहीं है ठीक है, फॉर एक्साम्पल एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इफ अ ब्लॉक ऑफ सेंटीमीटर सो ब्लॉक है उसका लेंथ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है और हाइट फाइव बोलो कुछ याद आ रहा है Application of बताया था yes. Application of मैं बताया था, ठीक है ये लेक्चर में अपन पूरा डिस्कस किए थे केस नंबर वन सो केस नंबर वन सो लेंथ ब्रीथ ये है आपको ठीक है अंडर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्टेन बाई इस वन फाइव ट्रिपल जीरो, so, आपको है, ट्रिपल जीरो। दी, इन भी। जो जब अपन डेरिवेशन कर रहे थे चेंज इन वॉल्यूम याद होगा और रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू तो थ्री डायमेंशनल लोडिंग सो आपको पता है कि अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ सिंपली निकालना चाहूं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ तो चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है होता है ना ठीक है सो चेंज इन वॉल्यूम आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे बात समझ में आ रहा है सो वॉल्यूम गिवन है आपको क्या लेंथ ब्रीथ और हाइट वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट तो ये आपका वॉल्यूम हो गया सो वॉल्यूम इज लेंथ ब्रीथ और हाइट और क्वेश्चन में आपको वॉल्यूमेट्रिक स्टेन दे दिया है तो वॉल्यूमेट्रिक स्टेन यहां वैल्यू पुट करो वन सेंटीमीटर तो आप अगर पुट करोगे तो आपको से आंसर मिल जाएगा समथिंग तो आप चेक कर लेना डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करना है और यहाँ गिवन है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे एक छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या है रीड दिस क्वेश्चन है पॉइंस रेशियो म्यू पॉइंट टू फाइव गिवेन है बॉल मॉडल पूछ लिया है अब सिंपल ईक्व थ्री के वन माइनस टू म्यू नहीं लगा सकते क्या रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट ई जी के म्यू ठीक है, है है है, e आपको है, e आपको आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, 1 minus 2, की वैल्यू ये आपका टोटल कितना आ रहा है टू इंटू पॉइंट टू फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव माइनस कर दो उसके बाद थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे सो so के वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो सो so के की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी मेगा में पावर थ्री कैलकुलेशन कर लेना एक बार जस्ट मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा ठीक है? समथिंग आ रहा होगा चेक कर लेना कर लेना आप लोग इंटू टेन 10 टेन दावर फाइव इक्वल टू थ्री के और थ्री में मल्टीप्लाई कर दोगे वन पॉइंट फाइव ठीक है सो 1.25 टू 10 इंटू टें फाइव इगो टू 3K 1 वन माइनस 0.5 सो 0.83 10 थ्री इन फाइव आ रहा होगा ठीक है सो ऑप्शन इज ऑप्शन बी तो इस टाइप के आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजली ठीक so, है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन सो क्वेश्चन नंबर नाइन अगेन थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है

ये आप डेल्टा टी निकाल द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मीन स्ट्रेस इन मेगा क्वेश्चन में गिवेन है क्यूब को ऑल डायरेक्शन से आप क्या कर रहे हो कॉन्स्टेंट कर रहे हो तो so अगर क्यूब को ऑल डायरेक्शन से कॉन्स्टेंट करोगे सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितना था थ्री टाइम्स ऑफ आप साइलेंट एक्स लिख सकते हो क्योंकि एप्सालन एक्स प्लस एपसालन वाई प्लस जेड और एक्स इज अल्फा टी और अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पता चल गया अल्फा पता है डेल्टा टी पता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल गया अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल गया सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट मींस अगर मैं बोलूं बोलूँ इक्वल्स टू अगर यहां पर यंग मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप बल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज कर लो क्या बताया था सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन

दोनों के बीच में गैप आपको गिवेन है रेल और वॉल के बीच में गैप कितना यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो mm so, mm एक्सपेंसन so, कितना जा सकता है थर्टी टू जा सकता है तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बता चुका हूं क्या करेंगे क्या करोगे सबसे पहले आप लिखोगे फ्री एक्सपेंसन एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होगा एक्स डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता है एल अल्फा डेल्टा टी एल एक्सपेंशन रजिस्टर्ड कितना हो जाएगा सो एक्सपेंसन ना जो कि आपका डेल्टा है so, expansion registered इतना होगा ठीक है सो फाइनल फाइनल रजिस्टेंस और रजिस्टर्ड कितना हो जाएगा फाइनल रजिस्टर्ड इन लेंथ दैट मींस चेंज इन लेंथ कितना होगा एल अल्फा टी माइनस और एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा ये आप ले लोगे बात समझ में आ रहा है क्या सो दैट स्ट्रेन कितना डेवलप होगा सो चेंज कितना हुआ है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा सो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा इसमें ओरिजिनल लेंथ डिवाइड कर दोगे रेल का गिवन है सो so यहां से आप इसको लिख सकते हो अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल So, ये स्ट्रेन है आपको क्वेश्चन में बोला गया स्ट्रेस सो स्ट्रेन में मल्टीप्लाई कर दोगे यंग मॉडल तो क्या मिल जाएगा आपको स्ट्रेस कितना अल्फा ई डेल्टा टी माइनस डेल्टा बाई एल इन टू यंग मॉडल वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन में आपको क्या गिवेन है अल्फा गिवेन है यंग मॉडल गिवेन है चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवेन है डेल्टा थर्टी टू गिवेन है लेंथ गिवेन है यंग मॉडल अगेन तो यहां से आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो इजली क्लियर है यंग मॉडल है अल्फा गिवन है डेल्टा टी आप निकाल लिए डेल्टा टी आप निकाल लोगे 80 30, कितना ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तो यहां से आप निकाल लोगे डेल्टा टी ठीक है देन आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट रिलेशन से तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस किया हूं क्लास में तो टेंशन नहीं लेना है बस रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो प्रैक्टिस करो एक दो बार क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो फ्लो में आ जाएगा ओके सो so, मिलते हैं गेट एकेडमी लाइव ऐप क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के न्यू चैप्टर के साथ ओके थैंक यू सो मच एवरीवन